नमस्कार दोस्तों, पेट का दर्द बच्चों में काफ़ी आम समस्या है और आज मैं इसी के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा और होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे अपने माता पिता से हमेशा ये शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें पेट में दर्द है। माता पिता डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से पेट में दर्द हो जाता है। आमतौर पे बच्चों में पेट का दर्द गैस के कारण होता है, अपच के कारण होता है और कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत के कारण होता है। लेकिन काफ़ी दिनों तक अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि पापा पेट में दर्द हो रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और चेक कराएं कि क्यों दर्द हो रहा है, कोई सीरियस कंडीशन है या सिर्फ गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों में पेट का दर्द होता क्यों है, साथ ही साथ मैं कुछ लक्षण बताते चलूँगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि अगर दर्द इस तरह का है तो मोस्टली ये हो सकता है। और उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं इसके कॉजेज, कारण। सबसे पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। अगर बच्चा 2-3 दिन में एक बार मल त्यागने जाए तो वो कॉन्स्टिपेशन है। अगर बच्चे का मल जो है वो काफ़ी हार्ड हो और उसे त्यागते समय उसे दर्द हो तो वो कॉन्स्टिपेशन है। और उसी के साथ अगर हमेशा पेट में तकलीफ़ हो, पेट में दर्द बार बार बोल रहा हो कि पापा पेट में दर्द है, या अगर छोटा बच्चा है तो आप जैसे पेट में हाथ लगाते हैं तो रोना चालू कर दे, तो वो कॉन्स्टिपेशन के कारण पेट में दर्द है। उसका मल अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसे गैस की प्रॉब्लम हो रही है और जिसके कारण पेट में दर्द है दोस्त। दूसरा सबसे आम कारण है एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन। अपच, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम। बच्चे का अगर पेट फूला रहे और आपको फूला फूला सा पेट दिखता हो और साथ ही साथ वो बोले कि पेट में दर्द है, और जब आप पेट को दबाते हैं तो बिल्कुल गुब्बारे जैसा पेट दबे और उसके बाद फिर वापस से आ जाए, तो मोस्टली वो गैस के कारण पेट में दर्द होता है दोस्तों। तीसरा जो आम कारण है वो है इन्फेक्शन। पेट में इन्फेक्शन हो जाए, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो, या आंतों में इन्फेक्शन हो, या किडनी में इन्फेक्शन हो, या ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, तो पेट में दर्द होता है दोस्तों। अगर इन्फेक्शन के कारण पेट में दर्द है तो जैसे ही बच्चे का आप पेट दबाएंगे हल्का सा तो दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ अगर इन्फेक्शन के कारण पेट में दर्द है तो फीवर भी आता है। कभी कभी पेट में दर्द बच्चे को ज़्यादा खाना खिलाने से भी होता है, तो अगर आप ज़्यादा खाना खिला दिए तो अपच हो गया जिसके कारण पेट में दर्द है, या खाना ख़राब खा लिया है जिसके कारण हल्की सी फूड पॉइजनिंग हो गई है और पेट में दर्द है। अगर ज़्यादा खाना खिलाने से पेट में दर्द है तो दूसरे दिन अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर फूड पॉइजनिंग के कारण पेट में दर्द है तो उसके साथ उल्टी भी आएगी और डायरिया भी होगा, लूज मोशंस भी होंगे दोस्तों। तो कुछ घातक बीमारियों के कारण भी पेट में दर्द होता है, जैसे अपेंडिसाइटिस, जैसे बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, और बच्चों में इंटुससेप्शन की भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, और उसके कारण भी पेट में दर्द होता है। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो फिर उस बीमारी के लक्षण भी आपको महसूस होंगे और साथ ही साथ पेट में भी दर्द होगा दोस्तों। ये थे आम कारण जिसके कारण बच्चों में पेट का दर्द होता है। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस की तरफ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस आप बच्चों को दे सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बच्चों को अगर पेट में दर्द होता है, कैमोमिला। बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते हैं, रात को सोते नहीं हैं, पेट में गैस बनती रहती है, अपच की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, और पेट जब दबाओ तो उन्हें थोड़ा सा आराम लगता है लेकिन पूरी तरीके से आराम नहीं लगता है। कैमोमिला बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और कैमोमिला को आपको 30 CH पोटेंसी में बच्चों को देना है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगाता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। एक बूंद सुबह सुबह देना है, तो डायरेक्टली टंग में भी दे सकते हैं और पानी के साथ भी दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली टंग में देते हैं तो बच्चों के जीभ में डायरेक्टली एक बूंद आप टपका दीजिए, बस इतना ही। और अगर आप पानी के साथ देना चाहते हैं तो एक चम्मच पानी में एक बूंद डाल के आप उसे पिला दीजिए। अगर आपका बच्चा 3 महीने से लेकर 13 साल के बीच का है और उसे पेट में दर्द होता है तो ज़रूर ये मेडिसिन दीजिए। दूसरी मेडिसिन है कैंट गैस फार्मूला। दोस्तों इस फार्मूला के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ,
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। और कैंड गैस फार्मूला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर बच्चों को गैस बनती है, अपच की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, और साथ ही साथ पेट में दर्द हमेशा बना रहता है, बीच बीच में बताते रहते हैं कि पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, तो आप कैंड गैस फार्मूला ज़रूर बच्चों को दें। कैंड गैस फार्मूला आप एक बूंद सुबह, एक बूंद दोपहर में और एक बूंद शाम को दें। डायरेक्टली टंग में भी दे सकते हैं और एक चम्मच पानी में भी दे सकते हैं। दोस्तों, तीसरी मेडिसिन एक कॉम्बिनेशन है जिसमें दो मेडिसिन आपको मिलाना है। पहली कोलोसिंथ, कोलोसिंथ 30 CH में आपको मिलाना है। कोलोसिंथ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पेट दर्द के लिए। बच्चों में बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो और पेट दबाने से आराम लगे, अगर पेट दबाने से आराम लगता है तो मोस्टली वो गैस के कारण या अपच के कारण होता है, और इसके लिए कोलोसिंथ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और दूसरी जो मेडिसिन इस कॉम्बिनेशन में आपको मिलाना है वो है मैकफॉस। मैकफॉस 30 CH में ही यूज़ करना है। यहाँ पर मैं पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। मैकफॉस 30 CH बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पेट दर्द के लिए। बहुत ज़्यादा पेट फूला हुआ हो, गैस बिल्कुल भरी हुई हो, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो, दर्द के कारण रो रहा हो, तो मैकफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और साथ ही साथ अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्जियत की प्रॉब्लम है, उसमें भी मैकफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो कोलोसिन 30 और मैकफॉस 30 आप होम्योपैथिक शॉप से ले आइएगा, और एक खाली सीसी भी ले आइएगा, और दोनों को ही उस खाली सीसी में बराबर मात्रा में मिला लीजिएगा। जैसे अगर आप मैकफॉस 30 10 ml उसमें डालते हैं, तो कोलोसिन 30 10 ml डाल दीजिए और उसमें पेट का दर्द लिख दीजिए, थोड़ा सा हिलाइए एक दो बार, ये बन गया। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सिंपल है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, एक बूंद दिन में 3 बार देना है। और दोस्तों, लास्ट में आपको नक्स भूमिका यूज़ करना है। दोस्तों, नक्स भूमिका 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। अगर पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है तो नक्स भूमिका से पेट अच्छे से साफ़ होने लगता है। बच्चों का कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्जियत की प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक हो जाती है कुछ दिन देने के बाद नक्स भूमिका। साथ ही साथ ये गैस के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, एसिडिटी के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नक्स भूमिका 30 CH पोटेंसी में एक बूंद शाम को दीजिए या रात में दीजिए। डायरेक्टली टंग में भी दे सकते हैं और एक चम्मच पानी में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर बच्चा आपसे अभी आके बोलता है कि पापा बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, मम्मी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, तो आप कोलोसिंथ 30 और मैकफॉस 30 ये दोनों को आप मिला के रखिए और एक बूंद दे दीजिए, और साथ में कैंड गैस फार्मूला एक बूंद दे दीजिए। दोनों के बीच में 10 से 15 मिनट का अंतर दीजिएगा, पेट का दर्द तुरंत ही ठीक हो जाता है एक बार देने से ही। ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम आपकी बता रहा है, साथ में उसे कॉन्स्टिपेशन कब्जियत की प्रॉब्लम है, बार बार गैस बनती है, तो फिर आप ये सभी मेडिसिंस दीजिए। कैमोमिला 30 एक बूंद सुबह सुबह, साथ में कैंड गैस फार्मूला एक बूंद दिन में 3 बार, साथ में आप ये कॉम्बिनेशन दीजिए कोलोसिन 30 और मैकफॉस 30 मिला के एक बूंद दिन में 3 बार, और नक्स भूमिका 30 एक बूंद शाम को या रात में आप दे दीजिए। धीरे 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 ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और 1 महीने में आपका बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, उसे दोबारा कभी पेट में दर्द नहीं होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दिया गया तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, नीचे एक कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।